हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पलवल के कृष्णा कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर गोली चलाने वाले एक आरोपी को कैंप थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। न्यायिक हिरासत में भी उसे भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी से हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पलवल के डीएसपी सुनील कादयान ने बताया कि कैंप थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कृष्णा कॉलोनी में जमीनी विवाद के चलते गोली चलाई गई है, जिसमें एक पुरुष और दो महिलाओं को गोली लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके साथ ही बदमाशों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। इसने कल दरखास्त दी और पुलिस मौके पर गई कि क्या प्लाट का डिस्प्यूट चल रहा है। उस संबंध में तेजराम और मेकन के दो लड़के, एक तेजराम का लड़का और खुद तेजराम, तेजराम के पास लाइसेंसी बंदूक हैं। उसने इसने 5 फायर किए और 3 लोग हैं चोट लगी, 2 लेडी और 1 अरुण थे। इनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज कर दिया। कल मेकन को गिरफ्तार कर लिया। कितने और फरार हैं अभी इसमें? आज तेजराम को और गिरफ्तार किया है, जो मेन मुलजिम है। क्या कार्रवाई चल रही है? इससे असला की बरामदगी होगी और कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लिया जाएगा।